तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, आजकल स्टॉक मार्केट में फिर वॉलीटिलिटी चल रही है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। आज स्टॉक मार्केट में फिर बहुत ही बड़ा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम आपको यही कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई भी पोजीशन बनाने की गलती मत करें और आप अपने जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनको ही जो है बाई करें, और लॉन्ग टर्म के लिए अपना टाइम होरिजोन रखें, तो ही आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर वॉलेटाइल होती है, रिस्की होती है, यहाँ पर आपका पैसा डूब भी सकता है। तो आइए बात करते हैं आज एक टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक की। इस स्टॉक में आज पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 1.86% की रैली है और ये जो स्टॉक है 630.90 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। कौन सा है वो स्टॉक, उसका हम नाम भी जानेंगे, उसके फाइनेंशियल एंड टेक्निकल पैरामीटर भी एक एक करके स्टडी करेंगे। तो एंड तक आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करें। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर कर दें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट 5 डे का इसका डाटा देखें, 3.38% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो, पहले इस स्टॉक में क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड ही चल रहा था। लोअर सपोर्ट लेवल आप देखोगे तो इस स्टॉक का जो लोअर सपोर्ट लेवल है वो 580 से लेके 90 के बीच में है, जहां से इस स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्सल शो किया है। यदि इस स्टॉक का 1 मंथ का पैटर्न देखें, 6.749% की जो रैली है वो देखने को मिलेगी। जो इसका अपर रेजिस्टेंस लेवल है 675 के अराउंड निकल कर आ रहा है। लोअर सपोर्ट लेवल हमने आपको बताया है 580 के राउंड निकल कर आ रहा है और ये जो स्टॉक है इन्हीं लेवल्स के बीच में आपको ट्रेड करता दिख जाएगा इन द लास्ट 1 मंथ। तो नियरली 7% के राउंड इस स्टॉक में रिटर्न्स हैं, लेकिन इसके चार्ट में वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी। 6 मंथ का पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इस स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रही थी और अपर रेजिस्टेंस लेवल इसका 500 के अराउंड था, लोअर सपोर्ट लेवल 400 का था, लेकिन अब इस स्टॉक ने उस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर दिया है। लेकिन अब एक नई कंसोलिडेशन रेंज में ये स्टॉक जो है वो आपको ट्रेड करता दिख जाएगा। आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये जो स्टॉक है किस तरफ जाता है। यदि ये जो स्टॉक है इस फिर कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करता है, फिर इसमें आने वाले टाइम में रैली होगी, अदरवाइज आपको इस स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिलेगी। 6 मंथ में इस स्टॉक में 35% के अराउंड रिटर्न्स देखने को मिल गए हैं। 5 ईयर का डाटा देखोगे 85% के रिटर्न्स हैं, लेकिन इस यहाँ पे भी इसके चार्ट में वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी। आजकल जरूर इस स्टॉक में लोएस्ट सपोर्ट लेवल से बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है आफ्टर द अप्रैल 2020। तो 8 मई 2020 को इसकी प्राइस नियरली 109 थी, आज ये जो स्टॉक है 630 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो, नियरली 3 ईयर्स में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर का जो पैसा है 7 टाइम के अराउंड कर दिया है। यदि इस स्टॉक का हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी आपको 1407% के मल्टी बैग रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। आइए इसके लेटेस्ट न्यूज़ भी जान लेते हैं, इस कंपनी का नाम भी जान लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी की, दैट इज़ CRM सिल्क मिल्स। और ये जो कंपनी है, दिस इज़ आल्सो नोन एज CRM एंड SSM। इट इज़ इंडियन ब्लेंडेड फैब्रिक एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरर विद एन एसोसिएटेड चेन ऑफ द रिटेल आउटलेट्स एंड ब्रांडेड शोरूम्स। तो ये जो कंपनी है बहुत ही बड़ा ब्रांड है और इसके बड़े बड़े शोरूम भी आपको देखने को मिलेंगे इन इंडिया। और दोस्तों, इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, दैट इज़ एट द कमला मिल्स कंपाउंड लोअर परेल मुंबई। और ये कंपनी 1978 में शुरू हुई थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इसके 5170 हैं। यदि इसके दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिला था। रेवेन्यू में 47% की ग्रोथ देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इनकम में 149% की ग्रोथ देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन 69% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। ऑपरेटिंग इनकम भी 147% के हिसाब से ग्रो हो रही है। तो दिसंबर के नंबर्स तो बहुत ही पॉजिटिव थे, तो आइए इसके मार्च 2022 के नंबर्स भी एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं कि इसके लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स किस तरह के रहे हैं और आने वाले टाइम में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की रह सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कंपनी का जो Q4 का पैट का डाटा है, दैट इज़ ग्रोइंग बाय नियरली 42%।
तो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे देखने को टारगेट मिल रहे हैं। इस स्टॉक के नंबर्स भी बहुत ही पॉजिटिव टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इस न्यूज़ को थोड़ा हम डिटेल में भी स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की रह सकती है और इसके जो नंबर्स हैं क्वार्टर फोर के फाइनेंशियल ईयर 22 के किस तरह के रहे हैं। तो आइए इसका डिटेल एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है इन ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22। सबसे पहले इसकी अर्निंग की ग्रोथ हिस्ट्री ही चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी का सेल्स वॉल्यूम देखें तो इट इज़ रिपोर्टेड एज 19,049 मिलियंस एज कम्पेयर टू 10,892 मिलियंस इन ए ईयर अगो पीरियड। तो सेल्स वॉल्यूम में बहुत ही बड़ी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल गई है। सिमिलरली इसका रेवेन्यू देखें फाइनेंशियल ईयर 22 का 19,394 मिलियंस है एज कम्पेयर टू ₹11,300 मिलियन इन ए ईयर अगो पीरियड। तो रेवेन्यू में भी बहुत ही शानदार ग्रोथ जो है वो देखने को मिल चुकी है। नेट इनकम देखें तो दैट इज़ रिपोर्टेड एज नियरली 2,162 मिलियंस और जब इस कंपनी के लास्ट ईयर में देखें इनकम तो 35 मिलियन थी। तो यहाँ पे भी बहुत ही बड़ी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल गई है, मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिल रहा है। बेसिक अर्निंग पर शेयर का डाटा देखें तो दैट इज़ ₹8.4614 एज कम्पेयर टू 0.76 ईयर अगो पीरियड। तो EPS में भी बहुत ही शानदार बहुत ही मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिल चुका है। डिल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर का डाटा देखें तो यहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया हुआ है फॉर ₹3.20 पर इक्विटी शेयर। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए निकल कर आ रही है। इसके नंबर्स भी बहुत ही शानदार रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड क्वार्टर फोर। क्वार्टर फोर में भी इस कंपनी के पैट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई है और फुल ईयर की गाइडेंस भी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों इसलिए इस कंपनी के आने वाले टाइम में ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। आप धीरे धीरे करके इस स्टॉक को अकमुलेट कर सकते हो फॉर नेक्स्ट टारगेट ऑफ ₹700। तो पहले ये जो स्टॉक है 700 के टारगेट को क्रॉस करने का कोशिश करेगा और इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 750 के अराउंड ही है। तो यदि ये जो स्टॉक है 700 को क्रॉस कर लेता है तो आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है 750 के लेवल्स तक भी जो है जा सकता है इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। तो हमने आपको पहले ही बोला है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का होरिजन लेके चलें तो ज़रूर इस स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। आइए कुछ और टेक्निकल पैरामीटर इसके डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जान लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग किस तरह का निकल कर आ रहा है। और यदि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 2,984 करोड़ का है। PE रेशो इसकी 15 की चल रही है, सेक्टर की PE रेशो 140 की है। तो सेक्टर के कंपैरेटिवली अभी ये जो स्टॉक है आपको डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों इस स्टॉक में। प्राइस टू बुक रेशो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 3.86 की है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.73% का है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और इसके लेवल जो हैं वो स्टडी कर लेंगे। यदि आप कोई भी शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको इन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे फोकस करना होगा। पहला रेजिस्टेंस 641 का, दूसरा 664 का है, तीसरा 692 का है और सपोर्ट देखिए तो 590, 562 एंड 540 का है। पाइवट इसका 613 के अराउंड चल रहा है। तो आजकल इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है 631 है, तो अपने पाइवट लेवल से ऊपर ही आपको ट्रेड करता दिख जाएगा। तो यदि इस स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है फ्रॉम द लास्ट वन ईयर में नियरली 200% के अराउंड रिटर्न जो हैं वो देखने को मिल चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वॉल्यूम में भी आज बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है। 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम 2 लाख का है, तो आज इस स्टॉक में 3 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है। तो अच्छा वॉल्यूम इस स्टॉक में आज देखने को मिल चुका है। आगे बढ़ लेते हैं, इसका लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं। 5 ईयर का डाटा देखें तो यहाँ पर आपको 2021 में बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला था।
क्योंकि 2021 में कोविड का इम्पैक्ट भी रहा था, लॉकडाउन भी हुआ था, इस कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था। लेकिन अब जो फाइनेंशियल ईयर 22 के नंबर्स आए हैं, क्लियरली अप ट्रेंड देखने को मिल गया है और इस कंपनी के रेवेन्यू में बड़ा जंप देखने को मिल गया है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। क्वार्टर वाइज क्वार्टर डाटा देखें तो यहाँ पे भी अब जून क्वार्टर ऑनवर्ड्स इस कंपनी के नंबर्स इंप्रूव ही होते दिख रहे हैं फॉर द रेवेन्यू। जून 21 में इसका रेवेन्यू 233 करोड़ था, सितंबर 21 में 480 करोड़ हो गया, दिसंबर 21 में 563 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो यहाँ पे भी अभी कंटिन्यूसली जंप ही देखने को मिल रहा है जून 21 ऑनवर्ड्स। जून 21 में इसका जो नेट प्रॉफिट था 12 करोड़ था, सितंबर 21 में 52 करोड़ हो गया है, दिसंबर 21 में 68 करोड़ हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है। FIIs का डाटा 3.65% की जो स्टेक शो कर रहा है, DIIs के पास 6.19% का डाटा है, पब्लिक के पास 22.98% का स्टेक है, प्रमोटर के पास 67.18% का स्टेक है। तो यहाँ पे भी बढ़िया मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न ही देखने को मिलेगा। FIIs का डाटा देखें तो इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिलेगी, उनके नंबर भी बढ़े हैं, उनका स्टेक भी इस कंपनी में बढ़ चुका है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का डाटा देखें तो यहाँ पे जरूर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसका हम वैल्यूएशन कंपेयर करें, वैल्यूएशन आर लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव, डेट टू इक्विटी रेशियो भी लो है, इसलिए आने वाले टाइम में इस स्टॉक में आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपको अच्छे क्वालिटी का स्टॉक लो वैल्यूएशन पर मिल रहा है, ये एंट्री का बहुत ही अच्छा मौका है। आप इस स्टॉक में सिप के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट करते रहें, नंबर्स भी फाइनेंशियल पॉजिटिव देखने को मिल चुके हैं और इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। FIIs भी इस स्टॉक में खरीदारी करते दिख रहे हैं। तो आप इस स्टॉक में 750 से लेके और 800 का टारगेट नेक्स्ट टू क्वार्टर का लेके चल सकते हो, पोजीशन बना सकते हो। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद ए न्यू वीडियो, न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया।